CNN News brought to you by Smart, विवाह शादी की खरीदारी के लिए हिमाचल का सबसे बड़ा प्रतिष्ठित संस्थान। आज ही पधारिए Smart, देवभूमि प्लाजा, राजगढ़ रोड, 16। जो भी प्रभावित क्षेत्र है वहाँ स्वयं गया हूँ और मैंने ये देखा है कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। बेमौसमी बर्फबारी के कारण कई स्थानों पे तो लोगों के बगीचे जो है बिल्कुल नष्ट हो गए, जो पेड़ हैं वो जड़ों से उखड़ गए हैं। स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर है। ऐसे में जो है किसानों और बागवानों को मदद की दरकार है। जो हमारा निचला क्षेत्र है वहाँ गेहूँ की फसलें जो है बर्बाद होगी। पिछले कल मैं स्वयं मुख्यमंत्री जी से मिला, मेरे साथ हमारे पार्टी के जो विधायक हैं मोहनलाल ब्राक्टा जी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष यशवंत शास्त्री जी और पार्टी के हमारे कुछ पदाधिकारी मेरे साथ थे। कल हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा और उनसे उनको हमने वस्तु स्थिति से अवगत कराया। हमने ज्ञापन के जरिए सरकार से मांग की कि एक तो फौरी राहत देने की ज़रूरत है, दूसरा क्योंकि लोगों के तो बगीचे ही नष्ट हो गए हैं, अब दोबारा से उन बगीचों को पुनर्स्थापित करने की ज़रूरत है, इसलिए जो है केंद्र से मदद की ज़रूरत है। ये एक स्पेशल पैकेज जो है केंद्र सरकार हिमाचल को दे। उसके अलावा जो बैंकों से KCC के अंतर्गत जो बैंकों से लोन लिए हैं उनकी जो इंटरेस्ट है वो माफ़ करने की ज़रूरत है। और HPMC में जो किसानों का बकाया है वो भी जो है किसानों को वापस जो है किसानों को जल्दी से जल्दी जो है मिलना चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी ने हमें आश्वस्त किया है कि वो पूरे मामले को जो है गंभीरता से वो ले रहे हैं और इस पे कार्रवाई करेंगे। तो हमें आशा है कि मुख्यमंत्री जी जो स्वयं ऐसे क्षेत्र से बिलोंग करते हैं जहाँ बागवानी होती है वो कार्रवाई करेंगे और जो गेहूं की फसलें बर्बाद हो गई हैं किसानों की उन्हें भी राहत जो है मिलने की उम्मीद है। तो मुख्यमंत्री जी से हमारी काफ़ी लंबी इस बारे में चर्चा हुई और साथ में वर्तमान में जिस ढंग से कोविड पूरे देश में हिमाचल प्रदेश में भी बहुत ज़्यादा फैल चुका है इसको लेके भी हमारी जो है चर्चा हुई। हमने मुख्यमंत्री जी को आश्वस्त किया कि अगर सरकार कोई कदम उठाती है, सख्त कदम उठाती है, तो निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी जो है जनहित में सरकार के साथ जो है खड़ी होगी। CNN News brought to you by Deepak Jeweler, Lakkar Bazar, Solan, 9816078655.